मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब के हमारे चैनल देसी ट्रैवलर पे। दोस्तों अभी मैं कहाँ हूँ और यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए आपको हमारे ये पूरा ब्लॉग देखना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। हम लोग अभी भी भिवाड़ी हैं और यहाँ पर बंजी कुछ कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बंजी। गुड मॉर्निंग। क्या बना है? हाँ उठ गए बंजी, नहा भी लिए हम तो। क्या बनाया जा रहा है बंजी? हमारी पैकिंग हो चुकी है एंड फाइनली हम भिवाड़ी से आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और दिल्ली से फिर हम लोग उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ भिवाड़ी से कोई बस या ट्रेन है नहीं जो हमें उत्तराखंड पहुँचा पाए। एंड जो दो तीन दिन के रेस्ट के बाद में हम लोग उत्तराखंड के लिए अब यहाँ से रवाना हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पैकिंग यहाँ पर हुई भी पड़ी है। सो फाइनली दोस्तों हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो गया है। ये देख लीजिए आप कितना डिलीशियस दिख रहा है और खाने में बेहतरीन होगा। और ये क्या बना है साथ में मंजी? गैस। ये तो बाहर से तो ठंडा ठंडा लग रहा है, कुछ शेक, एनी टाइप ऑफ शेक? यस, बनाना शेक। ओके, बनाना शेक और विद दिस मैगी। तो चलिए अभी हम अपना करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद में हमें निकलना भी है दिल्ली के लिए। चलिए बंजी स्टार्ट कीजिए आप अपना ब्रेकफास्ट। तो फाइनली दोस्तों अभी मैं और बंजी वापस जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। बंजी हमें छोड़ने जा रहे हैं बस तक के लिए। थैंक यू सो मच, उनके साथ हम लोग 3-4 दिन रहे। अभी चलिए हम लोग चलेंगे बंजी की सोसाइटी को बाय बाय बोलते हुए। आईएसबीटी पे यहाँ से हमें बस मिल चुकी है जो कि दिल्ली आईएसबीटी से होते हुए ऋषिकेश जाएगी। जो ये बस है वो यहाँ से 2 बजे रवाना होगी और हमें 8 बजे के आसपास ऋषिकेश छोड़ देगी। तो चलिए अभी वेट करते हैं बस के चलने का। तो फाइनली दोस्तों हमारी बस दिल्ली आईएसबीटी से ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुकी है और ये बस अभी दोपहर को 2 बजे रवाना हुई है, जो कि ऋषिकेश हमें लगभग शाम के 7:30 या 8 बजे पहुँचाएगी। और तब तक आप हमारे साथ इंजॉय कीजिए इस ऋषिकेश की यात्रा में और हम आपको ऋषिकेश में जाके बताएंगे कि हम आपको वहाँ क्या क्या दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब क्या बना रहे हो आज रसोई में? जी पहले तो कॉफी बना दे रहे हैं, फिर सेवैया बना देंगे, सेवैया खा के हल्दी वाला पियेंगे और फिर उसके बाद सो जाओगे। फिर भाई टमाटर कट गए हैं, झाड़ू निकली हुई है और क्या करना है, सो जाएंगे। हाँ जी बन्ना भाई साहब आ गए आप ऋषिकेश। कैसा लग रहा है ऋषिकेश आके? बहुत सही लग रहा है। बहुत सही लग रहा है, खुशी? खुशी। घर आके? घर आके। हमारे घर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। स्वागत है। हम लोग आ पहुँचे ऋषिकेश में, अभी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे तो आपको दिखाता हूँ कैसा है ऋषिकेश। चलिए तो मैं दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पे हैं। अभी तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अभी राम झूले पे। ऋषिकेश का ये बहुत ही बेहतरीन सा झूला है और आप लोग देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है। बहुत शानदार मौसम हो रखा है, माँ गंगा को प्रणाम। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है, एक उस तरफ एक नया झूला बना है। तो हम लोग अभी राम झूले को पार करके जा रहे हैं उस तरफ। अभी खूबसूरत सा मौसम हो रखा है अभी सुबह सुबह आज का, काफ़ी
अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी अच्छा वेलकम किया है किसी केस ने आज, एंड लेट्स सी कि कैसा रहता है हमारा आज का फर्स्ट डे। तो दोस्तों हम लोग अभी आ पहुंचे हैं गंगा किनारे पे, और ये जो जगह है लाइक हिडन प्लेस है जहाँ सिर्फ हम लोग ही आते हैं, लाइक बहुत कम लोग आते हैं ऋषिकेश को, जो यहाँ पुराने लोग हैं जो जानते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं। जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है जो नया सेतु बना है जानकी सेतु, इससे थोड़ा और आगे आपको आना पड़ेगा और आप यहाँ पर आके एकदम शांति से बैठ सकते हैं जहाँ आसपास कोई और नहीं होगा, सिर्फ आप और आप और आप और ये गंगा माँ। तो बेहतरीन जगह है ये। तो ये जो आप वटवृक्ष देख रहे हैं ये बहुत पुराना है, लाइक आई डोंट नो कि कितना पुराना होगा, बट ये जो जगह है ये गीता भवन नंबर 7 है, और यहाँ पर ही रामसुदास जी स्वामी जी ने यहीं पर जो अपनी साधना की थी, और बहुत ही अलग हो रहा है इस जगह का, काफ़ी अच्छी जगह है। एंड आप देख सकते हैं कितनी शांति है यहाँ पर इस जगह पर, काफ़ी सारे महाराज जी वगैरह बैठे रहते हैं, तो एक अलग सुकून है यहाँ पर जो कि आप महसूस कर सकते हैं हमारे साथ। मैं अभी वापस तपोवन में आ गया हूँ जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ स्टे कर रहा हूँ। लाइक काफ़ी अच्छा रहा आज का फर्स्ट डे ऋषिकेश का, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। एंड देखते हैं कि आज शाम को हम लोग आरती में जाएंगे या फिर कहाँ गंगा घाट जाते हैं, किसी दूसरे जगह पे जाते हैं, वो आपको मैं कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज ये फर्स्ट डे मैं यहां पहुंचा हूं, तो ये फर्स्ट डे का व्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर कर पाऊँ, अपनी ये जर्नी है वो स्टार्ट कर पाऊँ। दोस्तों जैसा कि आप पहले हमें प्यार देते थे, तो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार फिर से आप सब लोग देसी ट्रैवल को बहुत सारा सपोर्ट करने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बढ़िया बढ़िया जगह हैं जो यहाँ की ऋषिकेश की वो दिखा पाऊँ, और जो पहाड़ों का मानसून होता है वो कैसा होता है वो भी दिखा पाऊँ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देसी ट्रैवल को सपोर्ट करते रहिए।